मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर रीडिंग थर्ड क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 10। लेसन नंबर चल रहा है अपना 10। गुड चिल्ड्रन का अर्थ हो जाएगा अच्छे बच्चे। यानी इस पार्ट के अंदर अच्छे बच्चों की क्या क्या आदतें होती है, उनकी क्या क्या हॉबीज होती है और क्या क्या बैड हैबिट होती है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। दे ओबे, ओबे का अर्थ हो जाएगा आज्ञा का पालन करना। देयर टीचर्स, यानी जो अच्छे बच्चे होते हैं वे अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं। दे ओबे देयर टीचर्स, वे अपने अध्यापकों की आज्ञा का पालन करते हैं। दे आर पोलाइट, पोलाइट का मतलब है विनम्र होना। टू फ्रेंड्स, वे दोस्तों के लिए, टू फ्रेंड्स यानी दोस्तों के लिए विनम्र होते हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं वे अपने दोस्तों के लिए या मित्रों के लिए विनम्र होते हैं। दे डू नॉट टीज, टीज यानी छेड़ते हैं या चिढ़ाते हैं अदर्स। दे डू नॉट टीज अदर्स, यानी वे दूसरों को नहीं चिढ़ाते हैं, दूसरों को नहीं चिढ़ाते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। दे डू नॉट क्वेरल, क्वेरल का मतलब हो जाएगा झगड़ना, लड़ाई करना। दे डू नॉट क्वेरल, वे लड़ाई नहीं करते हैं, यानी वे आपस में अपने दोस्तों के साथ लड़ाई नहीं लड़ते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं। दे डू नॉट क्वेरल, वे लड़ाई नहीं करते हैं। दे शेयर देयर लंच विद फ्रेंड्स, यानी वे अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करते हैं। दे शेयर, शेयर का मतलब हिस्सा बटाते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं। दे शेयर देयर लंच विद फ्रेंड्स, यानी वे अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन करते हैं। अगले पैराग्राफ की भी नहीं देखो, H O M E W O R K होमवर्क, होमवर्क का अर्थ हो जाएगा गृह कार्य, होमवर्क यानी गृह कार्य। D A I L Y डेली, डेली यानी रोजाना, डेली का अर्थ हो जाएगा रोजाना या प्रतिदिन। PLAY प्ले, प्ले यानी खेलना, PLAY प्ले यानी खेलना। GAME गेम यानी खेल, यानी देखो PLAY प्ले यानी खेलना और GAME गेम यानी खेल। ROAD रोड, रोड यानी सड़क। WALK वाक, वाक यानी चलना, WALK वाक यानी चलना। LEFT लेफ्ट यानी बाईं तरफ, लेफ्ट यानी बाईं तरफ और राइट, राइट यानी दाईं तरफ। LEFT लेफ्ट यानी बाईं तरफ। DO डू यानी करना, DO डू यानी करना। ON यानी ऊपर या पर भी होता है, ON यानी ऊपर भी होता है। LIKE लाइक, लाइक यानी पसंद करना, LIKE यानी पसंद करना या जैसे, लाइक यानी जैसे या लाइक यानी पसंद करना। इसकी ट्रांसलेशन करनी है पार्ट की और आगे की ये 10 मिनट मैंने लिखाई है, इनको याद करके आना है, फिर कल अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे।